अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है इसीलिए ये सारी सड़क जो है वो सुनसान पड़ी हुई है। मैंने जाना था अपनी दर्जन के पास और उसे कुछ कपड़े उठाने थे, तो अभी ऑफिस में टाइम रहता था तो मैंने सोचा कि चलें मैं ना अपने ड्रेसेस उठा लाती हूँ, क्योंकि फैमिली में एंगेजमेंट का फंक्शन है तो मुझे फिर उसमें ज़रूरत पड़ने थे ना। इधर आ जाओ, दर्जन का घर दो गलियां छोड़ के ही था, बट फिर भी मैंने जेदी को कहा, मैंने कहा मुझे ले जाए, मेरी देर हो जाएगी, आज जुमा भी है और मैं ऑफिस पर लेट हो जाऊंगी पहुंचने से ना। दिल वो भाग के चली भी गई है। अब्दुल्ला गया हुआ था पप्पो के घर, आज इनकी छुट्टी हुई स्कूल की, मेरी सुबह आँख नहीं खुली ना। ये जी हम बाइक पर जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। आगे इसी गली में जी मेरी अम्मी का घर भी है और इसी गली में मेरा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ी थी। इंशाल्लाह फिर वो मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। दर्जन का घर आ गया है, आपको दिखाती हूँ। ये जी हम आ गए दर्जन के घर और एज़ यूजुअल वो नहीं है घर में, उन्हें बुलाना पड़ेगा। हाँ, मेरे बच्चों के यहाँ आने का मकसद ये जो चारपाई आपको नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर पड़ी हुई चीज़ है। ये बड़े खुशी से आते हैं जब भी मैं कपड़े लेने या देने आती हूँ, तो कि इन्हें ओपन यहाँ पे चीज़ मुहैया हो जाती है। मेरे ना बहुत से कपड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब तकरीबन एक माह हो गया मैंने दिए हुए, अभी मुझे सिर्फ 2 सूट मिले हैं। तो मैं कह रही थी इनसे, मैंने कहा प्लीज़ मुझे जल्दी से स्टिच करके दे दें, बार बार चक्कर नहीं लगते और आना बड़ा मुश्किल होता है। वो देखें वो भी ढेर लगा हुआ है तो अब, लेकिन ये कपड़े बहुत अच्छे स्टिच करती हैं माशाल्लाह, इनके हाथ में सफाई भी बहुत है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। कपड़े तो खैर मैं भी सी लेती हूँ, लेकिन अब वही कि टाइम नहीं होता तो मुझे ना बैठना मुश्किल लगता है। ये है जी चीज़ वाला कॉर्नर इनका, जहाँ से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पिक करते हैं, दुकान से ज़्यादा ही नहीं यहाँ पर मज़ा आता है। ये देखें, क्योंकि दुकान वाले को तो इनको हाथ जो है ना हिला हिला के बताना पड़ता है, ये वाली दे दें, ये वाली दे दें, और यहाँ ये फ्री होते हैं चूज़ करने के लिए ना। हाँ जी हाँ जी, बहन ले लिया ले लिया ले लिया। अच्छा भैया अब्दुल्ला की भी लेना। ये देखें जी, आज फिर हल्के हल्के बादल बन रहे हैं। ये देखें हल्की है धूप ना, हल्की हल्की हवा चल रही है। लेकिन ये जी अनादिल का फ्रॉक मैंने ले लिया है, 2 फंक्शन थे उनके लाइबा वगैरह के ना, तो एक मतलब एक दिन उन्होंने जाना है इंगेजमेंट करने और एक दिन उन्होंने आना है लड़के वालों ने, तो फिर मैंने कहा चलो एक में वो जो मैंने उसका पीच कलर का फ्रॉक लिया था वो पहना लूँगी, एक में ये पहना लूँगी ना। बस मैंने ले लिए हैं कपड़े, अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और ऑलमोस्ट ऑफिस का भी टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये है जी मेरा स्कूल जहाँ से मैं पढ़ी। ये जी हम पहुँच गए घर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, शेयर और लाइक कर दिया करें वीडियो को। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे फिर मैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।